आकाश ने क्या बकवास कर रहा था? कौन? हमारा जुबी डुबी सुप्पू? बोल तो कर रहा कि मार मार कर मुंह तोड़ दो उसका। क्या? और क्या कह रही थी तुम उसे? मैंने क्या कहा उसे? जेन, जेन, ये हमारी शादी का समझौता है, शादी का समझौता है। तू एक बात को नजरअंदाज करिए कि जिस हालात में शादी हुई है वो एक समझौता था। ये मैंने नहीं, सुप्पू ने कहा था। माना कि सुप्पू ने कहा, लेकिन तुमने भी हाँ में हाँ मिलाई। मैं मानती हूँ कि मैंने उसके हाँ में हाँ मिलाई, पर ये शादी समझौता ही तो थी। हमने कहा खुशी खुशी ये शादी की। बंदूक रखी किसी ने? डरा धमका किसी ने? ये हमारा मामला, हमारे रिश्ते का मामला, तो वो क्यों आ रहा हमारे बीच में? कौन है वो? क्या आ गया उसका? इसमें सुप्पू की कोई गलती नहीं है ज़ैन। सुप्पू कैसे गलत हो सकता है? गलत तो आलाज जी की लाइफ में सिर्फ एक ही चीज है, ज़ैन अब्दुल्ला। ज़ैन अब्दुल्ला पागल हो गए हो ज़ैन? सुप्पू मेरा कजिन है, बड़ी भूभी का बेटा है, और बड़ी भूभी हमारे शादी के वजूहत और हालात सब जानती है, इसलिए सुप्पू भी सब जानता है, और वो सिर्फ मेरा नहीं तुम्हारा भी कजिन है। कजिन है तो सिर पे बैठेगा हमारे? कजिन है तो कजिन की तरह क्यों नहीं रहता? क्यों दखल अंदाजी कर रहे हमारे रिश्ते के बीच में? और तुम हमारे रिश्ते की नुमाइश कर रही हो उसके सामने? मैंने कब की नुमाइश? ओ रियली, थैंक गॉड तुम आ गए सुप्पू। कोई तो है जिसके साथ अपने दिल की बात शेयर कर सकती हूँ? ये कहना चाहती थी ना? अब तुम आ गए हो, अब कोई तो है जिससे मैं अपनी दिल की बात शेयर कर सकती हूँ। कभी कोशिश की अपने दिल की बात कहने की? हाँ, बहुत बार कोशिश की थी अपने दिल की बात कहने की, पार्टी में भी की, पर तुम तो बिजी थे शराब पीने में और दूसरी लड़कियों के साथ डांस करने में। और किस रिश्ते की बात कर रहे थे? जब मन किया मुस्कुरा दिया, जब मन किया मुंह मोड़ लिया, इसे रिश्ता कहते हो तुम? खामखा अपना पूरा गुस्सा उस बेचारे सुप्पू पर उतारे हो। बेचारा सुप्पू कितना मुस्कुराता ना, जैसे कि प्लास्टिक स्माइल हो। भाग साफ सुप्पू, नेक नियत सुप्पू। सुप्पू माय फुट। एक बात को नजरअंदाज करिए कि जिस हालात में शादी हुई है वो एक समझौता था। मत करो मेरे लिए सब, ये समझौता था, इसे समझौता ही रहने दो। खामखा की गलतफहमी पाल रहा था कि हम लोगों ने कई फैसले तय कर लिए, लेकिन सच तो ये है कि हम वही के वही हैं, एक सेंटीमीटर भी आगे नहीं बढ़े। आज शाम सारी गलत फहमियां दूर हो गई और मुझे अपनी जिंदगी की हकीकत भी पता चल गई। हम झूठ के सहारे जीते हैं, अजनबी थे और अजनबी रह गए।
जैन, कल रात जो कुछ भी हुआ उसे मुझे इतना तो समझ में आया है कि तुम मुझ पर नाराज हो या हालात पर या अपने आप पर, ये तुम्हें खुद नहीं पता। और मैं चाहती हूँ कि तुम इस बारे में सोचो, क्योंकि जब तक तुम्हें ये पता नहीं चलेगा तुम इस मसले का हल नहीं निकाल पाओगे। इसीलिए मैं भोपाल जा रही हूँ अम्मी और अब्बू के पास। ताकि तुम्हें तुम्हारी स्पेस मिल सके और तुम बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के इस बारे में सोच पाओ। मैं तुम्हारे सामने रहूंगी तो तुम्हारी नाराजगी खत्म नहीं होगी, और ऐसे में इंसान किसी भी बात को सही तरीके से समझने में कामयाब नहीं होता। मैं चाहती हूँ कि तुम सोचो, समझो कि तुमने क्या कहा और क्यों कहा। इस रिश्ते की अहमियत तुम अपनी ज़िंदगी में कितनी समझते हो वो तुम्हारी मर्जी है, पर मेरे लिए ये रिश्ता जो भी है, जैसा भी है, मैंने उसे अल्लाह का करम और अपना नसीब मानकर मंजूर किया है। तुम्हारी मर्जी और मेरा नसीब शायद इस मुकाम से आगे किसी मोड़ पर मिल जाए, इसी उम्मीद के साथ जा रही हूँ। अपना ख्याल रखना, कब लौटूंगी पता नहीं, लेकिन निकाह किया है तो लौटना तो होगा ही। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कोई जाना हुआ अल्लाह निकाह किया तो वापस तो आना पड़ेगा। वापस आने के लिए निकाह की अहमियत पता है, लेकिन बाकी सब चीजों के लिए निकाह एक समझौता है। क्या सोचा तुमने कि मैं भोपाल तक घुटनों के बल तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा, मिन्नतें मांगूंगा और बोलूंगा प्लीज मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। कोई मरवर नहीं जाऊंगा मैं। जिनके मन में चोर होता ना वही भागते हैं ऐसे। और तुम्हें क्या लगा तुम्हारे इस फिल्मी स्टाइल गुड बॉय से मैं इमोशनल हो जाऊंगा? अभी फोटो क्लिक करके बताता हूँ कि मैं कितना खुश हूं। शक्ल खराब हो गई, सर में दर्द हो रहा है और फोटोग्राफ भी अच्छी नहीं आ रही है। वापस आने के सारे बहाने पीछे छोड़ के गई है। नाटक जान रही था तो सारा सामान साथ लेके जाती ना। शबे मेराज 27 में होटल पार्टी प्रिपरेशन 5 जून, शबे कद्र 12 जून, रमजान 29 जून। पूरे साल की प्रिपरेशन करके रखती है मैडम। आयशा जल्दी हाथ बटा। हाँ हाँ बस 2 मिनट। मेरी बच्ची
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। तूने फोन भी नहीं किया, हम तुझे लेने एयरपोर्ट आ जाते ना। सुनिए गुलाम साहब, जैन और आलिया आएंगे। अम्मी मैं अकेले आई हूँ। वाओ अप्पी, आपने तो हमें सरप्राइज ही दे दिया। सरप्राइज में ही तो मजा है ना? अप्पू कैसे हैं आप? आपकी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा तू वाकई अकेली आई है, इतला भी नहीं किया। सब खैरियत तो है ना आलिया? हाँ अप्पी, जीजू नहीं आए क्या? क्यों, मैं अकेले नहीं आ सकती, मेरा घर है, मेरा शहर है। क्यों अबू? बिल्कुल आ सकती है। अरे तेरी अम्मी की तो आदत है तहकीकात करने की। हाँ आप शुरू हो जाइए, आप सवाल पे सवाल पूछना। आप भी ना बेगम, चल चल अंदर चल। बेगम बेटी आई है, कुछ नाश्ते पानी का इंतजाम कीजिए। क्यों नजर आ रहा है, जबकि मैं जानती हूं वो कभी नहीं आएगा यहां। भोपाल जाने से तुम्हारे सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा होगा ना, इसलिए कम से कम यहाँ मुझे चैन से जीने दो। और किसी गलतफहमी में मत रहना कि मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ, मैं भी कोई गलतफहमी पालना नहीं चाहती। एंड यू नो व्हाट, तुम्हारी ईगो इतनी बड़ी है ना, अपनी बीवी को मनाने की इजाजत दे कैसे भला? इसलिए जाओ और तुम्हारा ईगो मसाज करो। तुम अपने घर में खुश, मैं अपने घर में खुश। अप्पी ये किससे बात कर रही हैं आप? अब किसी से भी नहीं, अब तुम जाओ और अंदर कपड़े रखो। हाँ अप्पी। आलू तुम भी ना बहुत अजीब हो, कम से कम मुझे तो बताया होता। और उधर आयत अलग परेशान है, तुमने उसे भी कुछ नहीं बताया। और मुझसे बोलती मैं खुद तुम्हारे साथ चलता। अब ये क्या बात हुई, मैं यहाँ मुंबई में, तुम वहाँ भोपाल में। ओ, तो मामू की भांजी अपने दिल की बात जुब्बू से कर रही है। जुब्बू भी अपने दिल का हाल बयां कर रहा है। बेचारा इतना मिस कर रहा अपने आलू को। चाट, तुम राम से की चाट खा रही हो? अनु तुम्हें याद है ना, ये चाट हम साथ में खाया करते थे। मतलब अकेले अकेले पूरी ऐश करी तुम वहां पर। ओह, तो पार्टी हो रही है भोपाल में। अप्पी
फोन रखिए ना आप। आप ये हमसे मिलने आई हैं कि फोन पे बात करने? जुबू, मैं फोन रखती हूँ। अरे नहीं, पहले मुझे ये बताओ कि कल तुम्हारे और जैन के बीच में क्या हुआ। मुझे लग रहा था कि तुम्हारे और जैन के बीच में जरूर कुछ हुआ है। और जैन समझता क्यों नहीं कि हाउ लकी ही इज टू हैव यू? कुछ नहीं जुबू, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। वो हाँ, वो पार्टी में थोड़ा अपसेट तो था, पर घर आते आते सब ठीक हो गया। पता है सुपू, अब उसने मुझे सॉरी भी कहा। That's so good. मुझे भोपाल में बहुत जरूरी काम भी था, सो आ गई। और मैंने सोचा कि अम्मी और अबू से मिलना भी हो जाएगा। और जैन ने भी यही कहा। पता है सुपू, सुबह से जैन 10 बार फोन कर चुका है पूछने के लिए कि कैसी हो, कब लौटोगी, सही सलामत पहुंची या नहीं। पागल। अपी, राजू टी स्टोर के गर्मा गर्म जलेबी और समोसे आ गए, चलिए खाते हैं। एक मिनट समा। ये अच्छा है, पहले चाट और अब जलेबी, मतलब अच्छे से एंजॉय हो रहा है भोपाल में। एंजॉय? मामू की भांजी को लगता सिर्फ ये एंजॉय कर सकती है? मैं इससे भी ज्यादा एंजॉय करके दिखाऊंगा। करतार, आज मैं घर पे ही हूँ। कहीं नहीं जा रहा, मैच देखते हैं मेरे घर में। फुल ऑन पार्टी मूड, सबको इन्फॉर्म कर देना। हाँ बाय। आलू, तुम तो कह रही थी कि जैन सुबह से 10 बार फोन कर चुका है तुम्हें, लेकिन यहाँ तो ये फुल ऑन पार्टी मूड में लग रहा है। और अगर इसे ऑफिस नहीं जाना था तो तुम्हारे साथ भोपाल क्यों नहीं चला गया ये? हाँ, मैंने तो उसे कहा था कि जब तक मैं यहाँ हूँ ऐश कर लो। वैसे भी वो 2-4 दिन में यहीं पर आने वाला है, प्लानिंग चल रही है उसकी। मैं फोन रखती हूँ, अम्मी बुला रही है। खुदा हाफिज। ओके बाय। अजीब कपल है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ना इन्हें और ना मुझे। किट का बच्चा, मैं रहूं या ना रहूं तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? जाओ, जाके ऐश करो, मैं भी ऐश करूंगी। सर, उस्मान साहब ने आपको बुलाया है। डैड ने पूछा तो क्या बोलूंगा? उसका फोन। अनिश से क्या थी, टट्टू ने क्या कहानी समझाई होगी? I hope so. फोन पर बात हुई मेरी जैन से, उसने बताया मुझे